इस वर्ष प्रकृति की कृपा कम रही। मानसून जो जून के आखिरी सप्ताह में फुल आ जाता है अजमेर ज़िले में, जून महीने में नहीं आया, 20 जुलाई तक भी नहीं आया, 25 तक नहीं आया, और उसके बाद में जाके मानसून अब पिछले 4-5 दिन से आया है। तो आया उसके लिए तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि बरसात हो गई ज़िले में, परंतु मानसून लेट आने से पशुओं के घास जो खाकला बोलते हैं, भूसा बोलते हैं, उसकी रेट 1,900 रुपये या 1,000 रुपये क्विंटल में बिक रहा है, बिकने लग गया। पशु आहार की कीमत भी 4 रुपये बढ़ी हुई थी RCDF से। इसके अलावा कुट्टी जो यदि डालना चाहे पशु को, वो 1,300 रुपये क्विंटल हो गई। ऐसी परिस्थिति में हमने पशुपालकों का दूध का भाव 6 जुलाई को 730 रुपये किलो फेड जो किया, जो औसत ज़िले में 48 रुपये 20 पैसे पड़ रहा था, उसको हमें जो है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक बढ़ाना पड़ा, और इसमें हमको 2 करोड़ रुपए जो है किसानों को ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेंगे। जुलाई में हमने पेमेंट किया, उसमें भी 2 करोड़ दिए, 2 महीने में लगभग 4 करोड़ काम पे आर्थिक भार आया। इसलिए हमने जो है आपके दूध के विक्रय मूल्य में गोल्ड और टोंड दूध 2-3 वेराइटी में ही हमने भाव बढ़ाया। दूध के प्रोडक्ट में जो आपका पनीर है, छाछ है, श्रीखंड है, दूसरे आइटम है, उनमें हमने भाव नहीं बढ़ाया। इसलिए हम समझ चाहते हैं उपभोक्ताओं से, आपसे, कि भी हमने जो वादा किया पूरा नहीं कर पाए। प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता। जब ऐसी विषम परिस्थिति आ गई तो मेरे किसान को और किसान के पशुपालक को भी जिंदा रखना ज़रूरी था। यदि पशुपालक रहेगा, पशु रहेंगे, तो ये चलता रहेगा। वर्तमान में आप जो दूध 2 लाख लीटर के करीब आ रहा है, भाव पूरे जुलाई में बढ़ाने से वो बना रहा, कम नहीं पड़ा, और इस महीने में भी भाव थोड़ा वही देने से जो है दूध का बढ़ेगा थोड़ा प्रिक्योरमेंट। हमारा दूध तो पूरा अजमेर का सप्लाई कर रहे हैं 2 लाख के करीब, 50,000 गोल्ड भी दे रहे हैं उसमें। बाकी डेयरियों की तो पोजिशन ये है कि उनके पास दूध ही नहीं, पूरा गोल्ड सप्लाई करने के लिए, इसलिए हमने भी भाव बढ़ा के इसको मेंटेन किया। धन्यवाद।